परमिट करा लो बैठ जाए। एक बार सभी, अच्छा घड़ी देख के सिर्फ 3 मिनट लूंगा आपके लिए, क्योंकि आज बहुत स्कूलों में जाना है। ऑलरेडी मेरे ख्याल से 1.5 घंटा मैं लेट कर रहा हूँ, क्योंकि जो पहले स्कूल में गया उसमें खूब टाइम लिया, सेकंड में गया उसमें और टाइम लिया, तो अब ऑलमोस्ट 1.5 घंटा मैं ऑलरेडी लेट हूँ। तो गाड़ी देख के सिर्फ 3 मिनट, जहाँ 3 मिनट हो जाए आप मुझे बता देना, ठीक है। तो एक बार सभी भारत माँ का जयकारा करेंगे, पक्का? भारत माता की। चलिए सबसे पहले तो आप सभी को, बच्चों को, टीचर्स को, पूरे स्टाफ को, प्रिंसिपल को, हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर भी साथ में हैं, हमारे जो साथ वाले स्कूल हैं वहाँ उनके प्रिंसिपल भी यहाँ पे हैं, सभी को अभी तो टाइम नहीं हुआ, आपने 2 दिखाया अभी नहीं हुआ टाइम, सभी को आज के इस एनुअल प्रोग्राम की ढेर सारी शुभकामनाएं। वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर दोबारा इस प्रोग्राम इस तरह से, क्योंकि कोरोना के टाइम तो इस तरह के प्रोग्राम नहीं हो पाए थे। आप सब बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, और सही पूछें तो मेरी दिली इच्छा रहती है कि ऐसे प्रोग्राम्स में ही हमारा आना होता है और आप लोगों से मिलना होता है। तो एक बार फिर दोबारा ढेर सारी शुभकामनाएं, जिन भी बच्चों को अवार्ड्स मिले, सर्टिफिकेट्स मिले, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। टीचर्स को देखा, काफ़ी टीचर्स को अवार्ड्स मिले हैं, सर्टिफिकेट्स मिले हैं, उनको मेरी तरफ से, पूरी दिल्ली सरकार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और बच्चों को बस मैं इतना ही शॉर्ट में कहूँगा, जो कि मैंने पहले भी कहा है, कि आप जो भी आपको करना है आप करते रहें, लेकिन अपनी पढ़ाई ज़रूर आप साथ साथ करते रहें, क्योंकि ये समय वापस नहीं आएगा। और एक बार आपने अगर अपनी पढ़ाई, जो भी एजुकेशन है, बढ़िया तरीके से कर ली, तो आप कुछ भी करें जीवन में आगे, कुछ डॉक्टर्स बनेंगे, कुछ इंजीनियर्स बनेंगे, कुछ लॉयर्स बनेंगे, कुछ टीचर्स बनेंगे, कुछ पॉलिटिक्स में आएंगे, कितने आएंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन हमने भी कभी सोचा नहीं था। मैं तो लॉयर हूँ पेशे से, वकालत कर रहे थे, तो हमें नहीं पता था कि ये राजनीति में आएंगे और MLA बनेंगे या मंत्री बनेंगे इतनी कम उम्र में और पहली बार इलेक्शन लड़े। लेकिन एजुकेशन मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ है, ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ,